नमस्कार इंडिया लाइव न्यूज में पेश है आज की बड़ी खबरें। सलमान खान और केआरके के बीच जो विवाद है वो किसी से छिपा नहीं है। कमाल आर खान ने फिल्म राधे की रिलीज के बाद सलमान खान का नाम लेकर कई तरह की अपमानजनक बातें की थी। इसके अलावा उन्होंने कई आरोप लगाए थे जो कि बेबुनियाद हैं। हालांकि ये केस विवादों के बाद अदालत तक जा पहुंचा है, लेकिन इस बार सलमान खान की तरफ से एक और शिकायत की गई है। दूसरी लहर में अब कोरोना के मामलों में हर दिन गिरावट देखने को मिल रही है। मंगलवार को मीडिया ब्रीफ के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि 7 मई को देश में प्रतिदिन के हिसाब से 4,14,000 मामले दर्ज किए गए थे, वे अब 1,00,000 से भी कम हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 86,498 मामले दर्ज किए गए। तंत्र शास्त्र में 64 योगिनियों का उल्लेख मिलता है। इनमें से अष्ट योगिनियों का विशेष महत्व बताया गया है, जिनकी उपासना अष्ट भैरवों के साथ की जाती है। 120 वर्ष की विशोत्तरी दशा होती है, उसी तरह 36 वर्ष की योगिनी दशा भी है। विशोत्तरी दशा की तरह योगिनी दशाएं भी जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून की शाम देश को संबोधित करते हुए कहा कि 21 जून के बाद से 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए वैक्सीन मुफ्त मिलेगी। केंद्र सरकार वैक्सीन का 75% हिस्सा राज्य सरकारों को खरीद कर मुफ्त मुहैया कराएगी। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन पर डोज 150 रुपये प्रति कीमत में मिलेगी। नाबालिग से दुराचार के आरोप में जोधपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल गई है। इस दौरान राजस्थान सरकार ने आसाराम बापू की ओर से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि वो मेडिकल इलाज की आड़ में अपनी हिरासत की जगह बदलना चाहते हैं। दिल्ली में घटे कोरोना के पॉजिटिव मामले, 24 घंटे में सामने आए कुल 316 नए केस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 सरकारी बैंकों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बैंकिंग अधिनियम के मापदंडों के उल्लंघन मामले में पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया पर 6 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इन दोनों बैंकों पर मानदंडों के उल्लंघन के लिए ये जुर्माना लगाया गया है। मौसम विभाग ने अपने अपडेट में कहा कि मुंबई में आज शाम या कल सुबह पहुंच सकता है मानसून। इस दौरान शहर में भारी बारिश की आशंका है, जिसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वैसे आपको बता दें कि परसों रात में ही मानसून महाराष्ट्र में एंट्री कर चुका है और उसने कल तक 30% से ज्यादा राज्य कवर कर लिया है। आपको बता दें कि हाल ही में ओडिशा सरकार ने उन पत्रकारों के परिवार को भी आर्थिक मदद देने का ऐलान किया था जिन्होंने कोरोना महामारी में अपनी जान गंवा दी। राज्य सरकार ने 55 लाख रुपए 7 पत्रकारों के परिवारों को दिए थे। इनमें से 15 लाख रुपए की मदद हर परिवार को मिली थी। भारत में वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी लागू होने के बाद अब कई कंपनियों ने स्क्रैपिंग फर्म में निवेश करना शुरू कर दिया है। हाल ही में हैदराबाद स्थित रैम की एनवायरो इंजीनियर लिमिटेड ने देश के 5 बड़े शहरों में व्हीकल रिसाइकलिंग प्लांट लगाने की घोषणा की है। कंपनी पहले चरण में दिल्ली NCR, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई में रिसाइकलिंग प्लांट लगाएगी। अमेरिका की FBI और ऑस्ट्रेलिया की फेडरल पुलिस ने अंडरवर्ल्ड का पर कतरने के लिए सामूहिक तौर पर एक जाल बिछाया, जिसके लिए FBI ने एक खास मोबाइल एप्लीकेशन ANOM का सहारा लिया। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की कि पंचकुला में PMDA बनेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पंचकुला को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित करेगी। मुख्यमंत्री बोले कि पंचकुला का समग्र विकास किया जाएगा। खट्टर ने पंचकुला के लिए कई घोषणाएं की। अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी के लिए हरियाणा नंबर 1 पर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना महामारी के चलते प्रदेश के गरीब परिवारों को बड़ी राहत देते हुए जुलाई से नवंबर माह तक का चावल निशुल्क प्रदान करने की घोषणा की है। प्रदेश के सभी BPL राशन कार्ड धारकों को जुलाई से नवंबर तक 5 माह का चावल निशुल्क दिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी सभी राशन कार्डों को PM गरीब कल्याण योजना के समकक्ष अतिरिक्त चावल भी देने की घोषणा की है। कई लोगों की ट्विटर पर वेबसाइट की शिकायत करने के बाद निर्मला सीतारमण ने इंफोसिस और नंदन निलेकणी को टैग करते हुए लिखा, आयकर विभाग के नए ई फाइलिंग पोर्टल का लंबे वक्त से इंतजार था।
सोमवार रात इसे लॉन्च किया गया। इसके बाद से ही इसमें गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। लगातार इसको लेकर शिकायतें मिल रही हैं। इंफोसिस को फाउंडर नंदन निलेकणी को टैग करते हुए उन्होंने लिखा। स्कीम के अनुसार मक्का, कपास, खरीफ तिलहन, खरीफ दालें, चारा वाली फसलें एवं बागवानी की फसलों को गत वर्ष के धान के खेतों में उगाने पर 7,000 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान देने का प्रावधान किया है, जिसके लिए संबंधित किसान अपने क्षेत्र में खंड कृषि अधिकारी कार्यालय में संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। राज्यपाल और टीएमसी सरकार के बीच कई मुद्दों पर टकराव होता रहा है, लेकिन धनखड़ अब पहली बार बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने उन पर भाई भतीजावाद का गंभीर आरोप लगाया है। हथियारों की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री हो चुकी है और वे हमारे अंदाज में कहीं ज्यादा तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं। हाल ही में एक युद्ध में ये दिखाई भी दिया। चीन की वायुसेना ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख के तनाव वाले क्षेत्र में अपने एयरबेस से सबसे बड़ा हवाई अभ्यास किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को पीएम मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात पीएम मोदी के आवास पर हुई। पीएम मोदी से मुलाकात करने पर सीएम ठाकरे ने कहा कि उनके रिश्ते टूटे नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में उन्हीं बातों का जिक्र किया है जो उन्होंने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। केजरीवाल ने कहा कि राजधानी दिल्ली में अगले हफ्ते से घर घर राशन योजना की शुरुआत होने वाली थी। हमारी सभी तैयारियां पूरी थी। इस योजना के लिए टेंडर भी दिए जा चुके थे, लेकिन अब केंद्र ने इस योजना पर पाबंदी लगा दी है। लोग पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने आज गृह मंत्री अमित शाह से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा एमएलए सुवेंदु अधिकारी ने बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बंगाल की सबसे हॉट सीट रही नंदीग्राम से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मात दी थी। लव जिहाद एवं जबरन धर्मांतरण जैसे मामलों पर नियंत्रण हेतु गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 इसी माह लागू हो जाएगा। राज्य सरकार की ओर से इस बारे में निर्णय लिया गया है। संशोधित कानून गुजरात में 15 जून से अमल में लाया जाएगा, जिसके अनुसार अब गुजरात में केवल धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से की गई शादी या शादी के उद्देश्य से किया गया धर्म परिवर्तन ही अमल में आएगा। लॉकडाउन लगने के बाद से बिहार में कोरोना के मामलों में तेजी से कमी आई है, जिसके चलते नीतीश सरकार ने राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर अनलॉक की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण में कमी आई है। इसी तरह की अन्य अपडेट्स के लिए इंडिया लाइव न्यूज को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें।